एवरेज एक ऐसी चीज है जिस पर सबका ध्यान लगा रहता है, सबको ज्यादा ही चाहिए, कोई भी कंपा समझौता करने के लिए तैयारी नहीं है। ऐसी कंडीशन में कंपनीज, बाइक मैन्युफैक्चरर्स कुछ ना कुछ प्लान किया करते हैं किस तरह से एवरेज ज्यादा मिले, ज्यादा दिखे, लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों एक कार या बाइक खरीदने के लिए। बस इसी में एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है सालों से, जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, या है तो वो उसको समझ नहीं पाए कि वो किस पर्पस से है। आज मैं इसी पर बात करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। मैं आपको एक क्लिप शो करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें। इस क्लिप में आपको मेरी कार एक खास स्पीड पे दिख रही होगी और साथ में जीपीएस भी कनेक्टेड होगा एक मोबाइल के थ्रू, जो कि एक्यूरेट स्पीड भी शो कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कुछ असमानताएं हैं। यह क्यों है इसके बारे में आपसे बात करता हूं। पहले आप नोट कीजिएगा कि यह जीरो से स्टार्ट होगी कार, देन उसके बाद 20 किलोमीटर की स्पीड पर रुकेगी, पॉज किया जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद 60 पे पॉज करते हैं और देन उसके बाद 100 तक, क्योंकि जिस रोड पे यह रिकॉर्ड किया गया उस रोड पे टॉप स्पीड 100 ही अलाउ है, तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। सारे सेफ्टी फीचर्स मैंने रेडी रखे हैं ताकि कार सेफ रहे, और आप भी जब भी कभी ऐसा कोई टेस्ट करना चाहें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह सेफ हो, इक्विप्ड हो। चलिए अब आप इस मीटर को ध्यान से देखें। कार स्टार्ट होते ही कार जीरो से स्पीड लेना शुरू करती है, 20 पे पहुंचती है, लेकिन जीपीएस मीटर कुछ कम दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार अब 60 पे पहुंच रही है, लेकिन जीपीएस मीटर कुछ कम ही दिखा रहा है। यह कार अब धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रही है, सौ पे पहुंच के पॉज भी है हम देख रहे हैं, लेकिन जीपीएस मीटर हमारा कुछ और बता रहा है। आखिर यह सब है क्या, ध्यान से समझिए। चलिए अब मैं इस वीडियो को रोक लेता हूं और आपसे बात करता हूं। असली चीज यहां पर यह है कि कार का मीटर एक्चुअल स्पीड से ज्यादा दिखा रहा है। ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्या कार गलत शो कर रही है? मैं आपको बताऊं, नॉर्मली सभी कार कंपनीज जितनी भी इंडिया में अवेलेबल है, सभी बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपने कार के मीटर को 10% के आसपास ऊपर ही रखते हैं। क्यों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ऐसा क्यों किया जाता है? कोई बगैर रीजन के तो कोई भी नहीं करेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज यह है कि कार का मीटर, ट्रिप मीटर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं पहियों के थ्रू कनेक्टेड है, कहीं सेंसर्स के थ्रू कनेक्टेड है, कहीं डिजिटल बना के कनेक्टेड है, कहीं एनालॉग मीटर के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन यह सब स्पीड ही दिखा रहे हैं आपको। मीटर किसी भी तरह का हो सकता है, डिजिटल एनालॉग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखा सब ज्यादा ही रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना है, जब मीटर ज्यादा दिखता है तो आप चलते हैं मान लिया 100 किलोमीटर और आपका मीटर दिखा रहा होता है 110 किलोमीटर, यानी अब आप कैलकुलेशन करते हैं कि 100 किलोमीटर पे हमने 4 लीटर फ्यूल खर्च किया तो हमारी गाड़ी का एवरेज हो गया 25 का, लेकिन वही मीटर ने जब आपको 110 दिखाया तो आपका गाड़ी का एवरेज हो गया जाकर 27 का, 26 का। बस ये जो एवरेज बढ़ जाता ना 27-26, यह आपको अट्रैक्ट करता है। सारा खेल यहीं पे शुरू कर देती है सभी कंपनीज, वो अपने मीटर को 9% से लेकर 11% तक बढ़ा के रखती है। जितनी भी मैंने कार देखी है सब में इसी के आसपास का एवरेज है। मेरी कार में आपको 7% इस समय शो हो रहा है, ये 7% कम एक्चुअल स्पीड है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने कार के टायर अपग्रेड कर रखे हैं, तो वो 2% उसने कवर कर लिया, वरना पहले वाली जो रीडिंग थी वो 9% की थी। ऐसा ही सभी कारों के साथ है, आपके पास कोई भी कार हो सकती है, लेकिन हर एक के मीटर में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। एक और मजे की बात है, बाइकों में ये सबसे ज्यादा खेल होता है, वहां ये मीटर 15% तक ज्यादा होते हैं, यानी जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे होते हैं तो सच्चाई में आपकी स्पीड 85 या 84 होती है। वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आपको ये लगे कि आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है उतने ही फ्यूल में, जितने फ्यूल में आपने काफी कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारे दिमाग से खेली जा रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। कोई कंपनी इसमें पीछे नहीं है,
मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी भी काल के मीटर को 100% एक्यूरेट पाया है। मैं जब भी इसको चेक करता हूं तो दो चीजों पर ध्यान रखते हैं। पहली चीज, फ्लैट रोड होनी चाहिए, यानी वह रोड कर्वी ना हो ज्यादा, वह रोड ऊपर नीचे ना हो, तब इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इस प्रिकॉशन का भी ध्यान रखा इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय। आप देखेंगे तो रोड बिल्कुल फ्लैट है और सीधी है, और हाईवे को चूज किया, वो भी वो हाईवे को जिस पर कम ट्रैफिक भी है और मैं सेफली कर सकूं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कार एक्यूरेट दे रही है तो समझ जाइए कि यह एक्यूरेट नहीं है। एक एवरेज ऐसी चीज हो गई है जिसे ज्यादा दिखाना स्टेटस सिंबल है। मेरी कार ज्यादा एवरेज देती है, मेरी कंपनी की कार ज्यादा अच्छा एवरेज दे रही है, मेरी कंपनी की बाइक 100 का एवरेज दे रही है। अब 100 निकलना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर अब ये छोटी छोटी ट्रकें अपनाई जाती है, लेकिन ये ट्रकें इंडिया में बहुत लंबे समय से अपनाई जा रही है। मुझे याद नहीं आता है कि ये कब से नहीं हो रही है। शायद मेरी जानकारी में यह ट्रकें 2000 से पहले से चल रही है, क्योंकि 2000 की बाद में मैंने कारों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है, उस पर वीडियोस और वर्किंग और टेस्टिंग चालू कर दी है, तब से मुझे ज्यादा फील भी हुआ है। उस समय वी बॉक्स आता था, उससे कहते थे, अब तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, उनसे टेस्ट कर लेते हैं। यह बात तो सच है कि यह ऊपर नीचे है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कितनी मजेदार है इसको आप समझ लीजिए। चलिए, अब आपको एक छोटी चीज पता पड़ी। अगर अच्छी लगी हो ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी है डिसलाइक कर दीजिए। जानते थे आप तो कुछ और ऐड कीजिए, कमेंट में लिखिए फटाफट मुझे कि कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। हाँ, हर चीज जरूरी नहीं एक स्कूप हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको पता भी ना हो। तो बस आपको बताने की कोशिश थी, पसंद आए लाइक कर लीजिए। हाँ, मैं अपने प्रोग्राम में ऐसे ही खबरें आपको दिया करता हूँ, कभी न्यूज, कभी रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई निकालों के बारे में भी। अगर आप ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है, रेड कलर का, चूकना नहीं, तुरंत दबा दीजिए। और एज ए VIP सब्सक्राइबर, सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट करना चाहते हैं, बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, दबा दीजिए और VIP सब्सक्राइबर बन जाइए। मैं अमित अब इजाजत चाहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।